बोले सत श्री अकाल एंड सभी को सलाम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जनरल रिव्यू बैच में। भाई प्राइम वीडियो पर जाकिर खान का नया स्टैंड अप आया भाई, जिसका नाम है तथास्तु। तथास्तु अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा ना तो आज हम आपको दिखाएंगे भाई, क्योंकि उसका एक पार्ट वन की एक स्टोरी आई है भाई, नेहा की स्टोरी। तो नेहा की स्टोरी आज हम देखने वाले हैं, इस पर देने वाले अपना रिएक्शन विद अपने फोंडू राम के साथ। तो चलिए दोस्तों करते स्टार्ट बिना देरी एंड मेरा चोरी के चलो। तब मेरा फोन बजा, मैंने देखा फोन उठाया, नेहा नाम की एक लड़की थी मेरी दोस्त, वो डिबेट का नहीं हुआ क्या तुमको? मेरी आवाज में भी रोमांटिसिज्म नहीं था, बहुत फ्लैट टोन में मैंने बोला कि नेहा नाम की लड़की मेरी दोस्त थी। तुम्हें क्या मजा आ रहा है? मजा तो आता है क्योंकि जाकिर भैया है ना भाई, हरकत में क्या करना है, पिघलना नहीं है, मैं अपना देख लूंगा। तो पिघलना तो नहीं बनता भाई, मैं जीता हूं नॉर्मल जिंदगी। अच्छा। मेरा सही चलता रहता है इधर उधर। मेरे चक्कर में खुद तनहा मत मर जाना। सही बात है भाई, कि जाकिर भैया है भाई। उसके अलावा सब बहुत पिघले, तब जाके सख्त हो गए। हाय हाय क्या बात बोल दी भाई ने। हां तो नेहा नाम की लड़की थी, मुझे डिबेट में मिली थी। वो लड़की नहीं तो जो कोने में रहती है, एकदम सुंदर होती है, चश्मा लगाती है और किसी से बात नहीं करती। सही बात। उसका फोन आया मेरे को, मैंने उसका फोन उठाया, मैंने कहा इसका फोन क्या रहा भाई, आज यही थोड़ी फोन करती है, सिर्फ दो चार मेहमान, हैप्पी दिवाली हैप्पी। कुछ लोगों से ये वाला रिश्ता होता ना। सही बात है, आपका है तो कमेंट करके जरूर बताना भाई। मेरा तो है, मेरा तो बहुत होते है भाई, शक्ल नहीं दिख रही हमको, क्योंकि अपन बहुत अकेले हैं भाई, बहुत अकेले, अपन बहुत सिंगल। कहते नेहा कितनी जाकिर हाय कैसा है, मैं का इतनी प्यार, इतनी वार्मथ। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही नहीं यार मुझे क्या होता, ये उस्ताद मुहिद्दीन खान साहब तेरे कुछ लगते हैं क्या? मैंने कहा क्या है ये, कौन से सेगमेंट में बज का नाम हो गया जो हमें नहीं पता था? अब आपको पता लगेगा बज क्यों पॉपुलर हो रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई। मैंने कहा मेरे दादा हैं, पोता हूं मैं उनका। यार तू बेस्ट है यार, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी यार। मैं नेहा बड़ी, मैं बेस्ट तो मैं हूं। बहुत ज्यादा बेस्ट है भाई। क्यों कहती यार तुम लोग परसों भोपाल आ रहे हो ना? मैंने कहा आ रहे। कहते तो तू आएगा क्या उनके साथ? मैंने कहा मैं ही रहता हूँ अंध गाय। ओके मैं ही हूँ मेन आदमी, तुम बोलो मैं ही हूँ भाई अंध गाय राइट? या मैं क्यों, क्या हुआ? कहती यार एक्चुअली मेरे पापा को ना सरंगी बजाने का शौक था, और वो फोटोग्राफर थे, बहुत नाम था। दो साल पहले उनके एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उनके पास सारे बड़ी सरंगी प्लेयर्स की फोटो और ऑटोग्राफ है, बस एक तेरी दादू हैं जिनका डायरी में उनका नाम लिखा हुआ है और फोटो और ऑटोग्राफ नहीं है। ओके तो तेरे दादू को तो मिलवा देगा क्या मेरे से? मेरे को अपने पापा की डायरी कंप्लीट करनी है। उस टाइम मैंने, मेरे को बड़ी सी बारीक बात है ना कि किसी का बिहेवियर तुम बड़ा ऑड लग सकता है, बड़ा अजीब लगता है, तुम उसको ऐसे श्रग ऑफ कर सकते हो, कह रहे पागल है अजीब है। लोग अपने अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या जंगे लड़ रहे हैं। अब दो साल पहले उसके पापा की डेथ हुई ना, इतना ओवर प्रोटेक्टिव है उसका बिहेवियर, जो मेरे को ऑकवर्ड लग रहा था पहले, क्यों ना वो शी डजंट वांट टू ओपन अप टू एनीबॉडी बिकॉज शी इज नॉट श्योर वेदर कि अब कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो कोई संभाल लेगा कि नहीं संभाल लेगा। बड़े लोगों का होना और नहीं होना ना साय की तरह होता है, आपको तब तक नहीं होता जब तक वो चला नहीं जाता आपसे। सही बात भाई, बिल्कुल सही बात। अगर आपके माँ बाप आपके साथ हैं तो शुक्र मनाओ के हैं। मैं भला आदमी बद तो मैंने बोला, मैंने कोई बात नहीं सब करा देंगे ठीक है, अब मैं अपने शहर में, अपन तो रानी भैया है ठीक है, मैंने कहा करा देंगे कोई बात, चिंता मत करो, फलाना हो जाएगा। यो ये पापा ने हमको ट्रेनिंग दी थी, पापा को चलता पूजा आंखों में से काजल चुरा ले वैसा। तो मैं घर पहुंचा तब तक घर पे कोई फंक्शन था, कजन वजन भी आए हुए थे। मैंने कहा बहुत बढ़िया ठीक है ना, अब्बा जी चार पांच बुड्ढों के साथ अपनी बोरिंग बातें कर रहे उधर, कजिन कजिन आए हुए तो क्रिकेट खेल लेते। मैंने कहा जो पहले बैटिंग करेंगे उसका अब्बा जी से बात कर लेंगे बाद में, क्या है इसमें तो उन्हें वो वाली प्लास्टिक की बॉल्स खेल रहे थे, वो नियॉन ग्रीन नहीं आती, वो खेलिए भाई बहुत खेलिए, प्लास्टिक कांडा भाई साहब 20 रुपए का लग गया। अब पहले 10 का आता था, ओहो भाई वो मैं तो 5 का भी खरीदा भाई, मैंने दिया 60। अब ये लोग लेके पड़े थे ना, ऑफ में मारा, ऑफ में ही मारा मैंने, पर मैं इतनी जोर से मारा मैंने कि उन हवा में स्विंग हो गई।
अब्बा जी लाल वाली प्लास्टिक की कुर्सियां लगा के 6 लोग बैठे थे उधर, समझ गए ना, वो आम आम वो आम रेस्ट वाली लाल प्लास्टिक की कुर्सियां लेंगे बड़े थे साली मारी इधर, वो यूं करके वो सीधे अब्बा जी अपने लोगों में ऐसा होता होता ऐसा होता सर टन सर ये भाई, ये अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ना तो जाके देखो भाई, तुम हंसते हंसते पागल हो जाओगे भाई, इतना फनी और इतना बढ़िया है भाई। मैंने तो देख लिया भाई, क्योंकि मुझे तो जाकिर खान बहुत बहुत पसंद है भाई, बहुत पसंद। तो तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों, क्योंकि जाकिर खान है भाई और नेहा की स्टोरी है भाई, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, करके जाना। तब तक के लिए मैं एंड भोर नाम दो चलते हैं, टाटा।